वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के बिहाई बुक के पोएम नंबर 7 द डक एंड द कंगारू के कॉमन एक्सप्लेनेशन के साथ उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉमन एक्सप्लेनेशन में कोई सा भी आपके एक्सप्लेनेशन उठाकर दे दे, वो आप आसानी से ये कॉमन वाले लिख कर आ सकते हैं। रेफरेंस वही है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द डक एंड द कंगारू कंपोज्ड बाय एडवर्ड लियर। ये आप कवि का नाम और अपनी कविता का नाम लिख दें। कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा है द डक रिक्वेस्ट्स द कंगारू टू राइड ऑन हिज बैक एज हर लाइफ इज बोरिंग इन दैट नास्टी पॉन्ड। यहाँ पर जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है, उससे निवेदन करती है कि वो उसे अपनी पीठ पर सवारी करवाए, क्योंकि उसका जीवन उस गंदे तालाब में बहुत ही बोरिंग हो गया है, उबाऊ हो गया है। एक्सप्लेनेशन, द डक प्रेजेस द कंगारू डेट ही होप्स वंडरफुली। यहाँ पर डक प्रेजेस यानी प्रशंसा करती है कंगारू की, कि होप्स यानी उछलता है वंडरफुली बहुत शानदार तरीके से। हर लाइफ इज वेरी पिटेबल, उसका जीवन यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत बुरी स्थिति में है। सी एक्सप्रेसेज हर विश टू गेट सिट हर ऑन हिज बैक एंड टू गो ऑन वर्ल्ड टूर। वो अपनी इच्छा प्रकट करती है कि वो उसे उसकी पीठ पर सवारी करवाए और संसार का भ्रमण के लिए उसे लेकर जाए। फॉर दिस सी इज रेडी टू सिट क्वाइट स्टिल एंड सेज नथिंग बट क्वैक्स। इसके लिए वो शांत क्वाइट स्टिल यानी चुप बैठी रहेगी और कुछ नहीं कहेगी, केवल क्वैक यानी उसकी जो काउ काउ की आवाज है वो आएगी बस। दे विल टूर द डी द जेली बोली ओवर द लैंड एंड सी। वो टूर करेंगे, भ्रमण करेंगे डी और जेली बोली, ये काल्पनिक स्थान कवि ने लिए हैं, और इस धरती पर इस समुद्र के चारों ओर वो भ्रमण करेंगे। द कंगारू रिफ्लेक्ट्स डेट परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग हिम लक। यहाँ पर कंगारू रिफ्लेक्ट यानी चिंतन करता है कि हो सकता है इसे उसका भी भाग्य उदय हो जाए। बट ही हैज़ वन ऑब्जेक्शन, लेकिन उसको एक ऑब्जेक्शन है डेट की, हर फीट आर वेट एंड कोल्ड, उसके पैर गीले और ठंडे हैं, एंड इट मे गिव हिम रूमेटिज्म, और हो सकता है इससे उसे गठिया का रोग हो जाए। द डक रिमूव्स द कंगारूज ऑब्जेक्शन। यहाँ पर जो बतख है वो कंगारू की उस चिंता को दूर कर देती है बाय सेइंग दैट सी हैज बॉट 4 pairs ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, कि उसने 4 जोड़ी तो ऊनी जुराब खरीद लिए हैं, एंड अ क्लोक और एक लबादा भी खरीद लिया है टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि ठंड को दूर रखा जा सके। सी विल ऑल्सो स्मोक अ सिगार एवरी डे, वो रोजाना एक सिगार भी स्मोक करेगी पिएगी। द कंगारू गेट्स एग्रीड, कंगारू सहमत हो जाता है। द डक सिट्स स्टडी एट द एंड ऑफ द कंगारूज टेल एंड दे होप द वर्ल्ड 3 times round। और जो डक होती है वो कंगारू की बिल्कुल पूंछ के अंतिम छोर पर बैठ जाती है और वो उछलते हुए संसार के 3 चक्कर लगाते हैं। तो ये इसकी कॉमन व्याख्या हो गई। अब पहला क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम ओपन, कविता कैसे ओपन होती स्टार्ट होती है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, बस आपको स्टार्टिंग में पहली लाइन लिखनी, हाउ डज द पोएम ओपन, तो इसको आपको लिखना है द पोएम और ओपन की जगह ये क्वेश्चन मार्क हटाकर ओपन्स। कविता शुरू होती है विद, साथ में द डक प्रेजेस, फिर आपको ये वाली लाइन लिख देनी है, स्टार्टिंग ऐसे करनी, क्वेश्चन से हमें आंसर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द डक रिक्वेस्ट फॉर अ राइड फॉर डाइवर्जेंट प्लेसेज। किस प्रकार डक रिक्वेस्ट करती है फॉर डाइवर्जेंट प्लेसेज यानी संसार के विभिन्न स्थानों पर जाने का किस प्रकार रिक्वेस्ट करती है।
तो आपको दूसरे का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में से ही हमने ये वाली लाइन लिख देनी है पहले, और इसमें फिर प्लस करके आपको यहां से लेकर और यहां तक पूरा आंसर लिख देना है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब कंगारूज रिफ्लेक्शन ऑन द डक्स रिक्वेस्ट। कंगारू के चिंतन के बारे में बताइए, जब डक उससे रिक्वेस्ट करती है तो कंगारू क्या चिंतन करता है। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, यहां से लेकर आपको और यहां तक पूरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द डक रिमूव कंगारूज ऑब्जेक्शन। डक कंगारू की चिंता को किस प्रकार दूर करती है, तो यहां से मिल जाएगा यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएम कंक्लूड। कविता किस प्रकार समाप्त होती है, तो आंसर आपको ऐसे शुरू करना है, इन द एंड द कंगारू गेट्स एग्री टू राइड हर ऑन हिज बैक। कविता के अंत में कंगारू उसे उसकी पीठ पर सवारी कराने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद में फिर आपको ये वाली लाइन हमने यहाँ ऐड करी दी, ये वाली यहाँ पर लिखी दी कि कंगारू तैयार हो जाता है, गेट्स एग्रीड, और फिर आपको ये यहाँ से लिख देना है, ये लाइन यहाँ पर लिखने के बाद में फिर यहाँ से कंप्लीट आपको आगे बढ़ा देना है यहाँ तक। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कॉमन कंप्लीट हो गई, यानी इस इतने से पैराग्राफ में आपकी ये कविता कंप्लीट हो गई। अगली पोएम में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जिससे जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।